अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से इमेज के अंदर अपने डेटा को सेव करा सकते हैं। और लाजमी नहीं है कि हम इमेज के अंदर कराएं, हम किसी भी वीडियो के अंदर या सॉन्ग्स के अंदर भी सॉन्ग के अंदर जो है अपने डेटा को सेव करा सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर डेटा है, इसके अंदर सॉन्ग है और कुछ इमेजेस हैं। मैं सबसे पहले जिस भी फोल्डर को आपको जो है अपने डेटा को मतलब एक फोल्डर में जमा कर लें, और उसके बाद जो है उसको उस पर राइट क्लिक करके जिप के अंदर उसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये डेटा के नाम से कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसी के साथ मैं अब जाऊँगा सीएमडी पे। सीएमडी ओपन करने के बाद आप टाइप करेंगे सीडी डेस्कटॉप। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी इमेज है आप लिखेंगे सबसे पहले कॉपी स्लैश बी, और यहाँ पे आपकी इमेज का नाम आ जाएगा पार्टी। अच्छा, इमेज की फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी फॉर्मेट देनी होती है। ये है डॉट जेपीजी, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉट जेपी। ठीक है, जेपीजी प्लस फोल्डर मेरा किस नाम से है, डेटा के नाम से, इसकी भी मैं फॉर्मेट चेक करूँगा डॉट जिप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डेटा डॉट जिप। ठीक है, अब मैं वो नाम लिखूंगा कि जिस नाम से मुझे डेस्कटॉप पे अपनी इमेज को क्रिएट करवाना है, नहीं कि उसके अंदर मेरा डेटा सेव होगा। तो मैं उसको हाइट के नाम से क्रिएट करता हूँ, हाइट डॉट जेपीजी, और मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक कॉपी फाइल कर दी है, और यहाँ पे मेरे पास हाइट के नाम से एक फाइल भी क्रिएट हो गई है। अगर आप देखें तो इसका जो साइज है वो केबीज में, और इसका जो साइज है वो एम बीज में, और जो मैंने अभी फाइल क्रिएट किया उसका फाइल भी साइज भी एम बीज में आ रहा है। मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एक सिंपल इमेज है, और इसके अंदर मेरा कोई डेटा नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक करें तो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर डेटा अवेलेबल है या डेटा मौजूद है। ठीक है, सिंपल सी एक इमेज है जिसका साइज जो है वो 16 MB दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें डेटा निकालना है, मैं किस तरह निकालूंगा, मैं राइट क्लिक करके विंडर पे जाऊंगा। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ बैक, और ये मेरे पास इमेज है। ठीक है, मैं इसको व्यू करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो मैंने डेटा के नाम से फोल्डर सेव कराया था वो सेफ है, जिसके अंदर एक सॉन्ग था और उसके अलावा इमेजेस थी, वो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, वैसे जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो सिंपल एक इमेज है, और जब मैं इसको विंडर में जाके ओपन कर रहा हूँ, व्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी मैंने डेटा सेव कराया था वो डेटा मेरे पास शो कर रहा है। ठीक है, और अगर मुझे उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है। आप इसको एक्सट्रैक्ट टू करें और डेस्कटॉप पे करके, या जहाँ पे भी आपको सेव करवाना हो वहाँ आप कर दें, तो ये आपको जो आपका डेटा था वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज के अंदर या सॉन्ग के अंदर या वीडियो के अंदर अपने डेटा को सेव करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं, कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपका डेटा है, और आप जो उसको डेटा को अपने सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल माइक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में शो कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जरिए मैं आपको गाइड कर सकूँ।